2024 में बची कुची सियासी जमीन खोने का उनको डर सता रहा है, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने विवाद उठाया है ताकि निवेश से ध्यान भटकाया जा सके, निवेशकों को डराया जा सके। मानस की चौपाइयों पर उपजे विवाद पर न्यूज स्टेट के साथ हुई खास मुलाकात में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष की सोची समझी साजिश है जिसका मकसद प्रदेश में हो रहे भारी निवेश से उसका ध्यान भटकाना है। मध्यकाल में भारत की सुप्त चेतना को जागृत करने में इस ग्रंथ की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। और इसी ग्रंथ में निषाद राज को भी सम्मान दिया गया है और भिलनी सबरी को भी सम्मान दिया गया है। यह केवल एक शरारत के तहत इसलिए इन मुद्दों को इस समय उठाया जा रहा है जिससे विकास और निवेश के मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी परंपरागत सोची समझी उस मानसिकता को जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करता हो उसको फिर से यहां पर लाने का प्रयास कुछ लोग करना चाहते हैं जो कभी सफल नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि सनातन धर्म में सभी वर्गों का सम्मान सदा से होता आया है, लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है और निवेश से डरा हुआ है। प्रदेश में होने वाले निवेश का आंकड़ा अब प्रदेश की आबादी को भी पार कर चुका है जो संशोधित लक्ष्य 17 लाख करोड़ से कहीं अधिक है, और निवेश प्रस्तावों का 56% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया है जो प्रदेश के विकास को बुलेट ट्रेन की गति से ले जाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी से ज्यादा ऐसा निवेश के प्रस्ताव यूपी को मिलने वाले हैं और ये सब संभव हो पाया है डबल इंजन की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शक हमारे पास है, तो हर एक निवेशक स्वयं की सुरक्षा और अपनी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी चाहता है। ये सभी कुछ आज यहां पर मौजूद है, इसलिए हर निवेशक आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में यूपी की ओर आना चाहता है और मैं उन सबको इसके लिए आमंत्रित भी कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए उचित माहौल तैयार कर रही है और विपक्ष धार्मिक ग्रंथों की प्रतियां जलाकर माहौल को बिगाड़ने में लगा है जिसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। योगी का कहना है कि SP ये नहीं पचा पा रही कि जिस सूबे को उन्होंने कंगाल कर छोड़ा था वहाँ इतना निवेश आना उनकी बची खुची सियासी